मैं स्वाति एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्रिस्पी मसाला पूरी की रेसिपी। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची पूरी रेसिपी है जिसे आप एंजॉय कर सकते हैं ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक में, जब कुछ चटपटा सा खाने का मन हो और बहुत सारा तीन झाम करने का मन ना हो तो फटाफट इन पूरियों को बना करके आप एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक बोल में मैंने यहाँ पे हाफ कप मैदा लिया है, आप चाहे तो आप आटा ले सकते हैं। फिर मैंने हाफ कप बेसन लिया है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में लिया है। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी बॉइल्ड एंड पील्ड पोटेटोस जिन्हें मैंने मैश कर लिया है, अभी ऐसे रफली मैश किया है। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी चॉप्ड अनियंस, ये बहुत ही फाइनली चॉप्ड अनियंस है, आप किसी चॉपर का यूज कर सकते हैं इसे चॉप करने के लिए या फाइनली कट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मैंने बहुत सारा धनिया डाला है, आप चाहें तो यहाँ पे आप और भी वेजीज डाल सकते हैं जैसे पालक डाल सकते हैं, मेथी डाल सकते हैं या कोई भी लौकी ग्रेट करके डाल सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशंस आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये मैं आपको एक बेस रेसिपी बता रही हूँ। नेक्स्ट इसमें मैंने डाला है जीरा, आप चाहें तो यहाँ अजवाइन भी डाल सकते हैं, अजवाइन जो बेसन का फैट होता है उसे कट करने में आपकी हेल्प करता है। साथ में इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट। अब इसमें हम डालेंगे चिली पाउडर और चिली फ्लेक्स, आप यहाँ पे ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हैं, पर ग्रीन चिलीज को अगर डालिएगा फ्रेंड्स तो बहुत ही फाइनली चॉप करके डालिएगा। तो यहाँ पे मैंने टेस्ट और फ्लेवर दोनों को और एनहांस करने के लिए रेड चिली फ्लेक्स डाले हैं, साथ में मैंने इसमें 1 टीस्पून के अराउंड ऑयल डाला है। अब इसको हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और एकदम स्मूथ एक आटा बना के इसका तैयार करेंगे। आप चाहें तो आप पोटैटो को ग्रेट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, तो उससे आपकी जो पूरी है वो और भी एकदम इवन बनेगी और देखने में और भी सुंदर बनेगी। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एकदम सख्त आटा बना के रेडी करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसे अच्छे से मैश कर लिया है, क्योंकि मेरे पोटैटो में थोड़े से बड़े चंक्स थे तो मुझे इसको काफी टाइम लगा है थोड़ा सा मैश करने में। आप इसमें कोशिश करिएगा कि आप ग्रेटेड पोटैटो लें तो उससे आपका जो फ्लेवर है वो और भी एनहांस हो गया। तो ये देखिए मेरा डो रेडी है, इसको मैंने 5 मिनट्स के लिए रेस्ट करने को रखा था और अब हमारा डो रेस्ट कर चुका है। तो इसकी छोटी छोटी सी मैं पूड़ियाँ बना लूंगी, आपको बहुत पतली पूड़ियाँ नहीं बनानी है, थोड़ा सा हम इसे थिक रखेंगे। आप इसको कटलेट का शेप भी दे सकते हैं तो एज अ कटलेट आप इसे फ्राई कर सकते हैं, पर मैं आज इसे थोड़ा सा बड़ी पूरी की शेप में फॉर्म करूंगी। इसी तरीके से हाथों में तेल लगाते हुए और बॉल को हम रोल करेंगे और अच्छे से इस तरीके से पूरी का शेप दे देंगे। तो ये देखिए हमारी छोटी मिनी पूरी बनके रेडी है। अब इसे मैं फ्राई करूंगी, तो फ्राई करने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑलरेडी गर्म कर लिया है, तो अब इन पूरियों को हम इसमें डाल देंगे और इसे एकदम अच्छे से धीमी आंच पे पकाएंगे। अगर आप तेज आंच पे पकाएंगे फ्रेंड्स तो ये ऊपर से तो रेड हो जाएंगी, अंदर से एकदम कच्ची रह जाएंगी, तो आंच को एकदम धीमा रख के हम इसे हल्की आंच पे पूरे 5 से 10 मिनट्स के लिए पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अब देख सकते हैं मैंने ऑयल में सारी पूरी ऑलमोस्ट डाल दी है, धीरे धीरे करके हम डालेंगे। आप इस रेसिपी में फ्रेंड्स अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएशन कर सकते हैं इसमें, आपको जो भी वेजिटेबल अच्छी लगती हो आप उसे आराम से इसमें ग्रेट करके डाल सकते हैं। बच्चों को वेजीज खिलाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये। इसे हम अलट पलट के अच्छे से सेकेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, पर इनको एकदम से हम पलटेंगे नहीं, इन्हें हम आफ्टर 3 से 4 मिनट्स ही पलटेंगे, अदरवाइज हमारी पूड़ियाँ टूट सकती हैं। तो ये देखिए जब एक साइड से थोड़ी सी हो जाएंगी तो मैं इसे दूसरी साइड पलट दूंगी और इसी तरीके से अलट पलट के हम इसे अच्छे से सेक लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमारी पूरियां बनके एकदम रेडी हो गई है, बहुत ही क्रिस्पी खस्ता करारा कचौरी हमारी बनके रेडी हुई है। तो चलिए इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं।
ये देखिए मैंने सारी पूरियां निकाल ली है और अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं। आप इसको सर्व कर सकते हैं हरी चटनी के साथ, अचार के साथ या सॉस के साथ। आप इसे इवन दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही डिलीशियस लगती है खाने में। आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी पूरियां बन के रेडी हुई है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।